सो गाइस, अगर आप लोग ने ड्रैगन बॉल देखा है तो आप लोग लॉर्ड बीरस को तो जानते ही होंगे। लॉर्ड बीरस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में। वो अपनी पावर्स का यूज करके बहुत सारे प्लैनेट्स को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है, और उसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो इंटायर सोलर सिस्टम्स को बहुत ही इजीली वाइप आउट कर दे। हमने एनिमे में भी देखा था कि कैसे उसने गोकू के सुपर सैयन 3 वाले फॉर्म को भी बहुत इजीली डोमिनेट कर दिया था। एंड गोकू ने ये खुद एडमिट किया था कि उसका और वेजिटा का फ्यूजन भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो बीरस को रोक सके। बट गाइस, क्या साइतामा जैसा बीइंग बीरस के सामने टिक पाएगा? सो इसी का आंसर आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। सो पहले अगर मैं बात करूं बीरस की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो सबसे पहली चीज उसके पास आती है फ्लाइट, यानी कि उड़ने की एबिलिटी। वो अपनी की का यूज करके बहुत इजीली फ्लाई कर सकता है। उसके पास की ब्लास्ट भी है। ये उसका मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी वेव है, और इसका जो ब्लास्ट है ये इतना स्ट्रांग है कि वो एक ब्लास्ट से एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड मैं फिर से बताता हूँ, ये उसका सिर्फ एक बेसिक सा ब्लास्ट है। उसके पास पोजेशन है इम्यूनिटी एंड मिमिक्री की। बीरस इम्यून है इफेक्ट्स ऑफ डेमिग्रास डार्क मैजिक से। उसके पास पॉइजन इम्यूनिटी भी है। एंड उसकी फिजियोलॉजी की बात की जाए तो वो तो किसी भी ह्यूमन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसके पास लॉन्गेटिविटी है। गोकू से इनकाउंटर करते टाइम वो ओवर 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड था, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने सालों से जिंदा है। उसके पास लाइफ लिंक भी है। अब जो बीरस और शिन की लाइव्स हैं, वो लिंक्ड हैं एक दूसरे से, यानी कि अगर एक मर गया तो दूसरा भी मर जाएगा। उसके पास डिविनेशन भी है। एंड उसका एक ब्लास्ट है जिसका नाम है किया है। ये एक इनविजिबल वेव ऑफ की है जो कि बीरस अपने हाथों से एमिट करता है। इसके अलावा उसके पास एक एबिलिटी है जिसका नाम है डिस्ट्रक्शन बिफोर क्रिएशन। इस एबिलिटी में बीरस क्रिएट करता है एक सन लाइक ऑरा स्पीयर जो कि पूरा फायर और पर्पल एनर्जी से चार्ज होता है। इसके अलावा जो बीरस की पावर्स का एक बड़ा पार्ट है, उसको नाम दिया है बीरस ने बीरस जजमेंट, जिसमें सबसे पहली चीज आती है बीरस बॉल। ये एक ह्यूज स्पीयर है एनर्जी का जो कि रिजेंबल करता है एक येलो स्टार को। इस अटैक का यूज उसने गोकू के अगेंस्ट किया था अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसको गोकू काफी मुश्किल से रोक पाया था। इसके अलावा उसके पास रॉथ ऑफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी है। इसका यूज भी उसने गोकू के अगेंस्ट किया था। उसके पास सीलिंग स्पेल भी है, यानी कि वो किसी को भी सील कर सकता है। उसके पास इनहेंस्ड हियरिंग है, फायर ब्रेथ है और पैरालाइजिंग गेज है। वो तो अपनी स्नीज से भी ब्लास्ट कर सकता है, एनर्जी को नलीफाई कर सकता है एंड हकाए। ये उसकी एक ऐसी पावर है जिसमें वो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, विच इंक्लूड्स गॉड्स एंड गोस्ट्स, किसी भी चीज को डस्ट का बना सकता है। इसके अलावा भी उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे कि क्लोनिंग, मल्टी स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन, रीबर्थ, कामेहामेहा, और भी बहुत सारे टाइप की पावर्स एंड एबिलिटीज हैं बीरस के पास, जिनको एक वीडियो में बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप बस इतना समझ लीजिए कि बीरस एक ऐसा गॉड है जो कि उसको खड़ा करते हैं एनिमे यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल बीइंग्स में से एक की लिस्ट में। सो गाइस, अब अगर मैं बात करूं साइतामा की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, साइतामा पोजेस करता है इमेजरेबल स्ट्रेंथ। वैसे तो वो अपने किसी भी अपोनेंट को सिर्फ अपने एक सिंगल पंच से डिस्ट्रॉय कर देता है, कॉज उसका कोई भी अपोनेंट कभी भी उसके एक पंच से ज्यादा टिकी नहीं पाया है, सिवाय कुछ को छोड़ के। उसकी जो पावर्स का ट्रू एक्सटेंड है वो अभी भी अननोन है। इसके अलावा वो सिर्फ अपने एक पंच से ही शॉक वेव क्रिएट कर सकता है, और वो जो शॉक वेव है वो इनसेनली स्ट्रांग होती है, लिटरली हर चीज को अपने पाथ में डिस्ट्रॉय कर देती है। वो लीपिंग यानी कि हल्क की तरह बहुत ऊंचे ऊंचे जंप्स कर सकता है, और एक जंप से काफी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। उसकी स्पीड भी इमेजरेबल है, यानी कि वो इतना फास्ट है कि उसके आफ्टर इमेजेस भी दिखने लगते हैं। सोनिक के फास्ट एंड पावरफुल अटैक्स तो उसके सामने कुछ थे भी नहीं। इसके अलावा उसकी जो एजिलिटी है वो भी इमेजरेबल है। उसके सेंसेस और रिफ्लेक्सेस भी बहुत अच्छे हैं। एंड उसका जो रिएक्शन टाइम है वो तो कमाल का है। वो एक फाइट में कभी भी थकता नहीं है, यानी कि उसकी बॉडी फटीग टॉक्सिंस को जनरेट नहीं करती है। एंड वो काफी लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है किसी भी फाइट में। वो अपने पेन को सप्रेस कर सकता है। इसके अलावा वो सारे टाइप के साइकिक अटैक्स से इम्यून है। उसके ऊपर किसी भी टाइप के साइकिक अटैक्स का असर नहीं होता है। उसकी लंग कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। एंड वो किसी भी टाइप के वैक्यूम में अडैप्ट कर सकता है, यानी कि स्पेस में भी वो सर्वाइव कर सकता है। उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई भी असर नहीं होता है। इसके अलावा वो एक अडैप्टिव फाइटर और मास्टर है इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट। उसको बहुत सारी फाइटिंग टेक्निक्स और स्टाइल्स आते हैं, जिनका यूज वो अपने फाइट में बहुत बार करता है। उसके पास इनडोमिनेटेबल विल भी है, यानी कि वो किसी भी फाइट से कभी पीछे नहीं हटता है। अब अगर मैं उसके पंचेस की बात करूं तो वो भी उसके डिफरेंट टाइप ऑफ पंचेस हैं, जैसे कि नॉर्मल पंच, सीरियस पंच, सीरियस हेडबट, सीरियस टेबल फ्लिप और भी बहुत कुछ। एंड यस, साइतामा इतनी स्ट्रेंथ तो पजेस करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो ये तो हमने बात कर ली दोनों ही कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। एंड अब अगर मैं बात करूं कि कौन जीतेगा इन अ बैटल बिटवीन साइतामा एंड बीरस, सो गाइस ये दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग्स हैं। बट अगर मैं बात करूं कि कौन जीतेगा इन दोनों के बीच की बैटल में, तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से साइतामा बेशक बहुत स्ट्रांग है, बट बीरस का मुकाबला वो नहीं कर पाएगा। बीरस बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पावर्स को पोजेस करता है जो कि साइतामा पोजेस नहीं करता। बीरस के पास स्ट्रेंथ के अलावा भी वाइड रेंज ऑफ अटैक्स हैं, जिनका यूज वो साइतामा में बहुत इजीली कर सकता है एंड उसको डिफीट भी कर सकता है। बट गाइस, आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड नाउ थैंक्स फॉर